क्या त्रिपुरा प्रदेश भाजपा में एक बार फिर से आंतरिक संकट पैदा हो गया है। इस तरह की खबरों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया, राष्ट्रीय महासचिव अजय जामवाल और राज्य प्रभारी फणीन्द्रनाथ शर्मा आज त्रिपुरा दौरे पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो दौरे का मुख्य कारण पार्टी के नेताओं और समर्थकों के एक वर्ग के बीच बढ़ती नाराजगी को शांत करने को लेकर है। पार्टी के पूर्वोत्तर क्षेत्र संगठन के सचिव विनोद सोनकर ने भी अगले 3 दिनों तक राज्य में ही रहने की बात कही है। गौरतलब है कि यह दौरा त्रिपुरा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ सदस्यों, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के एक बड़े समूह के बीच कथित बढ़ते असंतोष को दूर करने और सरकार और भाजपा तक अपनी आवाज उठाने के लिए आयोजित बैठक के एक दिन बाद आया है। इस बीच अगरतला पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिलीप सैकिया ने कहा कि यह दौरा पार्टी के संगठनात्मक ढांचे से जुड़ा है और शाम तक सब कुछ पता चल जाएगा। संगठन का नियमित बैठक है और कुछ योजना भी है, शाम तक पता चलेगा आपको। मिनिस्टर मंत्री सभा के बारे उसके बारे में क्या बात होगा? सब तय हो गया है, सब तय हो गया है, कंसेंसस से हो गया, कब तक शाम तक मालूम हो जाएगा। और आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि सुदीप रॉय बर्मन ने कल पार्टी के आंतरिक मामलों के बारे में क्या कुछ कहा था। भारतीय जनता पार्टी আমি প্রথমে বলেছি দল এবং সরকারের মধ্যে কিভাবে সংশোধনী আনা যায় তার দোষ ত্রুটিগুলো আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে সরকার এবং দলের কাছে আমরা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এখানে বসা হয়েছে। কারণ দল এবং সরকার আমাদের দলীয় কর্মীদের কথা শুনতে চাইছে না, এটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি অন রেকর্ড। এটা আমরা এখানে তাদেরকে স্কোপ দিয়েছি বলার, মন হালকা করার। এর মধ্যে যদি কেউ উল্টা পাল্টা বক্তব্য রাখবেই, কারণ দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা এরা পোষণ করছে, কাজে নাথিং রং আমরা শুনে দিল্লির গোচরে রাজ্য সরকার এবং দলের কাছে আমরা এটা তুলে ধরব। वहीं त्रिपुरा दौरे पर आए भाजपा के संगठन सचिव विनोद सोनकर ने त्रिपुरा कैबिनेट में जल विस्तार के संकेत भी दिए हैं। बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर? देखने को मिलेगा। क्या है देखने को मिलेगा? चेंज होने वाला है क्या? बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। नए मंत्री चाहते हैं कुछ? बहुत जल्दी। थैंक यू। प्रेसिडेंट कोई परिवर्तन नहीं? अच्छा। और वहीं त्रिपुरा में टीएमसी के विस्तार को लेकर विनोद सोनकर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टी को चुनाव लड़ने और संगठन को मजबूत करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने शांत त्रिपुरा के माहौल को बिगाड़ने के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में अपनी बात जो कहने का तरीका है वो कहेगी तो निश्चित रूप से स्वागत है और सभी राजनीतिक दलों की तरह टीएमसी भी काम करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक शांत और अच्छे प्रदेश में आके अगर किसी प्रकार की अशांति और किसी प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं कि कौन किस पे अटैक कर रहा है। वो यहाँ आएंगे और यहाँ के कानून को नहीं मानेंगे और यहाँ पर आके उनके कार्यकर्ता ईंटा चलाएंगे। उनके कार्यकर्ता जिस तरह से मीडिया के साथियों ने पिक्चर दी है, फोटो दी है, ईटा लेके घूम रहे हैं, छारू चुका घूम रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे लोग खराब कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़े हैं न्यूज एडिटर हमारे नवरुण गोस्वामी। नवरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा में जो आंतरिक कलह है उसे केंद्रीय समिति अब तक दूर करने में क्यों नाकाम रही है? देखिए दुलमणि, त्रिपुरा का जो बीजेपी का इंटरनल क्राइसिस है, जो क्राइसिस है, आज तक जितने भी केंद्रीय टीम आई है या फिर जो त्रिपुरा के बीजेपी के स्टेट लीडर्स भी हैं, किसी ने कल तक किसी ने ऑन कैमरा नहीं कहा ऐसे कि कोई क्राइसिस चल रही है। हमेशा जो कहा गया कि कैसे संगठन को मजबूत करना है। सो इन अ वे एटलीस्ट टू द पब्लिक आई हम ये ना नहीं कर सकते कि हाँ एक यूनिटी जो है त्रिपुरा बीजेपी में रखा गया है। बट ये सबको पता है कि कितना एक जो रिपोर्ट्स आते रहे हैं कि बार बार काफ़ी नेताओं का, चाहे वो कोट अनकोट बागी नेता हो,
चाहे वो चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ हों दिल्ली दौरे पे गए, कितनी बार सेंट्रल लीडर्स यहाँ पे आए हैं त्रिपुरा में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई क्राइसिस नहीं और इतनी विजिट्स हो रही हैं। लेकिन कल जो एक मीटिंग हुई जिसमें सुदीप रॉय वर्मन और 4-5 और MLAs थे और जो दल के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं बूथ लेवल ब्लॉक लेवल हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका कहना है कि आए थे और फर्स्ट टाइम ऑन रिकॉर्ड सुदीप रॉय वर्मन ने ये कहा कि हाँ काफ़ी जो है नाराज़गी है, इम्पेशेंस है पार्टी के कार्यकर्ता में स्पेशली फ्रॉम द असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, और उस उनकी आवाज़ को जो है स्टेट गवर्नमेंट बिप्लब देव गवर्नमेंट और सेंट्रल लीडरशिप को पहुंचाने के लिए जो है ये मीटिंग हुआ। अब आज की जो ये दौरा है सेंट्रल टीम का, ये देखिए पहले से तय था, इट वॉज अ शेड्यूल टूर, बट येस कोइंसिडेंटली ये दौरा तब हो रहा है जबकि कल इन अ वे फॉर द फर्स्ट टाइम कई महीनों में जो है फर्स्ट टाइम जो ये क्राइसिस अंदरूनी जो एक कोट अनकोट क्राइसिस है वो उभर के बाहर आई। जो नेता जिन्होंने कल उस मीटिंग को अटेंड किया वो बिल्कुल फॉर द फर्स्ट टाइम ये कह रहे थे कि हाँ नाराज़गी है, गुस्सा है पार्टी वर्कर्स में, उन्होंने कहा क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो दल है वो उनकी बात सुन नहीं रहे, तो उनकी आवाज़ दल तक पहुँचानी जो है ज़रूरी है। तो इस अगर हम इसको नोट करें तो ये जो विज़िट है दिलीप सैकिया है वहाँ पे, अजय जामवाल है, विजय सोनकर है, विनोद सोनकर है तो ये जो मीटिंग है ये काफ़ी क्रूशियल होती है। और देखिए अब चुनाव में ज़्यादा टाइम नहीं है और TMC जिस तरह से अपना प्रेजेंस फील कराने की कोशिश कर रही है त्रिपुरा में, BJP के नो लॉन्गर टेक्स थिंग्स ईजी, इसलिए जो है ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सोनकर ने मीडिया से बात करते कि हाँ कैबिनेट रीशफल बहुत ही जल्द होगी, तो ये तो तय है कि इस मीटिंग में ये जो तीन या चार दिन का टूर है उसमें ये डिसाइड हो जाएगा कि कैबिनेट रिशफल कब होना है और किन को मिलना है। अब देखना ये दुलमनी कि किन को सीट्स मिलता है, तो कोट एंड कोट जो रेबल MLAs कहा जा रहे हैं क्या उनको दिया जाता है, क्या सुदीप रॉय वर्मन को दिया जाता है, अगर दिया जाता है क्या वो लेते हैं वो कैबिनेट बर्थ कैबिनेट पोस्ट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो विजिट है इस BJP सेंट्रल लीडरशिप टीम का इसको बहुत इंटरेस्टिंग कर देती है और बिल्कुल सबकी नज़रें गड़ी रहेंगी। जी नवरण, जैसा कि पहले भी देखा गया है त्रिपुरा में सुदीप रॉय वर्मन जो है उनके भाग्य तेवरों की वजह से पहले भी पार्टी कई बार कोशिशें कर चुकी है उन्हें मनाने के लिए, कई बार परेशानियां भी झेली गई हैं और इस बीच पार्टी को कितना नुकसान होते हुए देखा जा रहा है या फिर जो अब TMC जो वहां पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रही है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? नहीं देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम कह रहे हैं एक कोई भी पार्टी हो जो BJP ने मेंटेन किया, सबको अपना जो अपनी बात रखने की हक है चाहे किसी भी पार्टी में हो, और ये आपको मानना है सुदीप रॉय ने आज तक ओपनली जाके पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा है। ही हैज़ ऑलवेज मेंटेन्ड कि मैं जो हूँ एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी का वर्कर हूँ, मुझे अगर लगता है कि पार्टी के लिए अच्छा है वो बात में रखूँगा, उस तरह से रखा गया है। और दुलमनी इससे पहले कल से पहले शायद कभी भी ओपनली मीडिया में कभी भी ये बात नहीं रखी गई कि हाँ जो है क्राइसिस है और जो है क्रोध है, एंगर है, नाखुशी है, ये सब बात कभी निकल के बाहर नहीं आई। बट अभी जो है चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, लॉट ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, सो क्लियरली थिंग्स आर गेटिंग हीटेड, जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तेज़ हो रही हैं, इसलिए ये हुआ है। एंड ये बहुत ज़रूरी है BJP के लिए जैसे आपने मेंशन किया, क्योंकि TMC एंट्री मारने की कोशिश कर रही है त्रिपुरा में, ये बहुत ज़रूरी है BJP के लिए, BJP सेंट्रल लीडरशिप के लिए, स्टेट लीडरशिप के लिए, कि ये जो कोट अनकोट क्राइसिस जो है इंटरनल क्राइसिस त्रिपुरा BJP को, इसको यही ख़त्म किया जाए। ये जो दौरा है सेंट्रल लीडर्स का इसी में सारा कुछ जो है इसको ख़त्म कर दिया जाए, नहीं तो शायद से BJP के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ये क्राइसिस के लिए, क्योंकि जो है इंटरनल क्राइसिस इज़ द लास्ट थिंग दैट द BJP वुड वांट ईयर बिफोर द इलेक्शंस।